चैनल डीएफओ को बुला करके आपसे वार्ता करेंगे। हम इस विश्वास के साथ लगातार एक साल से इस विश्वास के साथ उम्मीद के साथ हम लोग अपने क्या है हमारी मांगे हैं कि जिस प्रकार से हमारा हक हकूक पूरे प्रदेश ने और माननीय वन मंत्री जी और इस कैबिनेट में हमारा जो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जैसे हमारा हमको पूर्ण अधिकार दिया जाए और हमारा जो ये एक्ट होता है वन एक्ट है उसको पास किया जाए और जो हमारा अधिकार होते हैं ठेकेदारी प्रथा पर काम बंद किया जाए। जिस प्रकार से चारों वन प्रभाग अधिकारी एक जो काम दे रहे हैं वो ठेकेदारों को काम दे रहे हैं, हमको केवल रबड़ की मोर हमको पकड़ा रखी है और हम रबड़ का मोर का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो और मुझे लगता है जिस प्रकार से कैट प्लान में लाखों का घपला जनपद चमोली में हुआ है, तमाम इस प्रकार से वन विभाग लगातार इस प्रकार से घपला घोटाला करता आ रहा है और हमको कोई भी हम सरपंचों को विश्वास में दे करके अपने आप काम कर रहा है, केवल सरपंचों को रबड़ की मोर दे करके उनका धैर्य जो है बना रखा है विभाग ने। इस प्रकार आपको जिम्मेदारी मिलती है तो जो लापरवाही वन विभाग की ओर से जो आरोप आप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं उनकी जांच की मांग आप करेंगे? बिल्कुल, हम सूचना अधिकार के तहत इस पर जांच बैठाएंगे और हम नैनीताल हाईकोर्ट में जाकर भी इसकी इस पर जांच बैठाएंगे और हम तमाम जो चारों डीएफओ हैं जिन्होंने इस प्रकार से सरपंचों का अनित कर रखा है इस पर जरूर जाँच बैठाएंगे, क्योंकि एक जाँच का विषय है। कम से कम 2-3 साल से हम लोग जो है अंधकार में इन लोगों ने हमको रखा हुआ है, हमको कह रहे हैं कि आज हम आपको काम देंगे कल हम आपको, जब हमारे पास एक पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। अगर गांव में किसी को सूखी लकड़ी चाहिए, किसी को अपने मकान को छाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है तो सरपंच कहीं भी सरपंच का रोल नहीं है, पर उसमें पटवारी हो गया, एसडीएम साहब हो गए, डीएफओ हो गए, ये परमिशन देते हैं और जंगल में जाके लकड़ी काट देते हैं। जो हम जंगल हम बचा रहे हैं और इस समय हरेला जो पर्व हुआ था उसमें हमने पेड़ लगाए हैं, हम लगातार जंगलों की रक्षा करते हैं। आग बुझाने के लिए केवल सरपंचों का इस्तेमाल किया जाता है और एक झुंझुना के रूप में केवल मात्र हमको 10,000 पकड़ाया जाता है, वो भी केवल 20-25 सरपंचों को पैसा दिया जाता है, बाकी को कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारा बड़ा एक रोज के साथ हमारे आने वाले 21 तारीख को भी विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें भी पूरे प्रदेश का एक संगठन है, हम उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमको लाठी खाना पड़े डंडा खाना पड़े, अब हम पीछे हटने वालों में से नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है सरपंचों की, अगर पर्यावरण की बात करें, गांवों को जंगल जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। आप लोग सड़कों पे उतरे हैं तो कौन सी मांगे हैं आपकी हैं जिसको लेकर आप आंदोलन करने को मजबूर? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जाने जाते हैं और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी चारों प्रभागीय वन अधिकारियों के द्वारा हमारे सरपंचों का जो एक मांग पत्र हमने 17 बिंदुओं का एक मांग पत्र दिया था कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र का ये मांग है, आप ठेकेदारी प्रथा करवा रहे हैं, आपने सरपंचों के जो अधिकार है उसको शून्य और मृतक कर दिया है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। हमने हमारे बहुत सारी मांगे हैं जो 17 बिंदु थे उनका हमने एक पत्र उनको दिया है, चारों डीएफओ को दिया है और हमने उन आश नहीं दे रहा हम,
कम से कम 2018 से लगातार ये हम अपनी आवाज़ को उठाते उठाते आज तक यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमको बिल्कुल नगण्य समझा जा रहा है। जिस प्रकार से हम वन अग्निकाल में या हरेला पर्व पर पौधारोपण का कार्य करते हैं, वनों का संरक्षण संवर्धन का कार्य करते हैं, जहाँ परवाहित वन अधिकारियों की या उनके कर्मचारी या उनके अधिकारियों के द्वारा हमको बुलाया जाता है कि भाई फलाने जगह आग लग गई, आप वहाँ सहयोग करें, हम निश्चित तौर पर अपना सहयोग करते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? जी हमारा भाई साहब, मैं सीधे सीधे ये बताऊं कि हमारा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वन मंत्री जी से, कि आपने तरह हमके केवल आपने सलाहकार बना करके रखा है, परामर्शदात्री, एक परामर्शदात्री समिति करके आपने हमको सलाहकार बना कर रखा है। सलाहकार के अलावा आप हमको वित्त पोषित करिए, वित्त की व्यवस्था करिए। आपने जो जल जंगल जमीन के जो सरपंच को आज आपने चौकीदार बना के रखे, कम से कम उसके लिए तो कुछ चाहिए ना, तभी तो वो कुछ कर पाएगा जल जंगल जमीन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े हम आगे बहुत बड़ा आंदोलन वाला होने वाला है। 21 तारीख का भी हमारी रणनीति है कि हम विधानसभा का कभी घेराव कर सकते हैं। अगर इस बीच हमारे संगठन से कोई बातचीत नहीं होती है, मध्यस्थता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक उग्र आंदोलन भी हो सकता है। जी अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रदेश स्तरीय, ये जो हमारा विधानसभा स्तरीय मांग है, जो ये हमारा हमारे शासन को एक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम था, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये जिलाधिकारी जी के माध्यम से हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो सकती, हमें भी पता है, लेकिन हमारा क्या, ये सरकार का तंत्र एक हिस्सा है, तो यहाँ से जो हमारा ये होगा कि हमने यहाँ पे अपनी आवाज़ अपनी बात रखी, अपना ज्ञापन दिया, ज्ञापन के जो हमारी मांगे थी उसको ज्ञापन देने के बाद हमने जो तालाबंदी का जो हमारा कार्यक्रम था इसको संचालित किया। आज हमारे जिलाध्यक्ष हमने ये, और मेहरपाल सिंह रावत जी, बीबी सदी जी, ये हमारे संरक्षण महोदय सुरेंद्र सिंह रावत जी, इन सभी लोगों को, तमाम लोगों के खाने के हमने ये तालाबंदी का कार्यक्रम यहाँ पे करवाया किया है, और आगे भी हम लोग जो हमारा जो ये कार्यक्रम है ऐसे ही यथावत जारी रहेगा। और सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा, जो लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं, सड़क मार्ग और
फोटो के कारण नहीं आ पाए, वो आगे इस कार्यक्रम में हमारा जो विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम है इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है और इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हमारे जिला व्यक्ति ने आभार व्यक्त कर दिया। मैं पुनः अपने अपने स्तर से अपने तरफ से आप सभी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ और हम आगे भी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हमारा ये अभी तो हमने क्या है कि हमारा प्रदेश का मतलब प्रदेश का आंदोलन होना चाहिए कि हमारे जिला स्तर का खाली अब 11 जिले इसमें सरपंच जो हमारे वन पंचायत है 11 जिलों में अभी मात्र हम एक जनपद चमोली के जो सरपंच है वो धरातल पे अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 जिले अभी इसमें क्या है अभी पीछे है, पीछे का मतलब क्या है कि अभी धरातल पे उनका कुछ नहीं है, खाली भाषणबाजी कर रहे हैं। तो उन लोगों से मेरा डेली हमारी जो वर्चुअल बैठक होती है उसमें भी हम लोग कहते हैं कि यार आप लोग धरातल ही लड़ाई लड़िए, तो इस लड़ाई को हमने धरातल पे लड़ना है। जैसे हम लोग आज धरातल पाए कोई बात नहीं, होता है समय की पाबंदी है किसी के पास नहीं आ पाते हैं, लेकिन आगे ऐसे लोग जुड़ेंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत हमारी किसी की मांग है, सब लोगों के हित की मांग है। क्योंकि हमारा क्या है जैसे पहले गाँव में बोलते लोगों को पासवान, वैसे पासवानों से भी बदतरी था हमारी सरपंच, पहले सरपंच का एक बहुत बड़ा दायित्व होता था, बहुत बड़ा पद होता था, लेकिन आज क्या है कुछ नहीं है, खाली जी रहे, खाली तुम तेल तम अल्लाह खड़का डेल बहुत तेल तेज चौकीदारी कराओ, तो यही तक सीमित है हम लोग। तो इस लोग ये हमारी जो ये लड़ाई है ये सबके कोई बात नहीं, हमारे हमारा कार्यकाल कम रह गया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसका लाभ मिले, इसकी लड़ाई हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से जो हमारे अग्रज है जो प्रथम व्यक्ति के व्यक्ति है उन लोगों से आग्रह करूंगा कि ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे और सभी लोग अपना भरपूर सहयोग देंगे, कोई तम से देगा, कोई मन से देगा, कोई दम से देगा, जो नहीं आ पाता वो धन की थोड़ा सा जो हमारा जो ये लोग यहाँ पाए जल खान की व्यवस्था की जल पान की व्यवस्था हो जाए, जो गाड़ी का थोड़ा सा तेल की व्यवस्था हो जाए, तो इस तरीके से एक व्यवस्था बने। और मैं ज्यादा ना कहते आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस बरसात के मौसम में जगह जगह रोड ब्लॉक है उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पाए, आप लोगों का एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक आभार। तमाम आज हमारे साथ युवा सरपंच जुड़े हुए हैं और बड़े जागरूक सरपंच बहने तमाम जुड़े हुए हैं, हमें बड़े खेत का विषय है कि आज हमारे जनपद चमोली के तमाम माताएं बहनें अपने बच्चों को अपने गाय भैंसों को छोड़ करके जिला मुख्यालय पर यहाँ पर अपना, जबकि हमने इससे पहले भी अल्टीमेटम दे चुके परंतु यहाँ पर शासन प्रशासन ने अभी तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने अभी चारों ड्यूपों के यहाँ पर हमने तालाबंदी करी, आज बड़े उस बड़े फिक्र से बोलना पड़ रहा हमें कि जब इन लोगों ने अधिकारियों को वहाँ से अधिकारी वहाँ से भाग गए हैं, वहाँ पे आज अगर किसी का कोई इमरजेंसी काम हो जाता है तो जनरल चमोली का कोई भी अधिकारी अपने कार्यालयों में नहीं है, इसके लिए हम बड़ा विरोध करते हैं और बड़ा खेद करते हैं। दो तीन घंटे हो चुके हैं शासन प्रशासन द्वारा हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी गई, इसके लिए हमें यहाँ पे डट के रहना पड़ेगा। हो सकता है कि विभाग के द्वारा कल की बैठक कुछ सरपंच जनपद चमोली के अंदर 700 कुछ सरपंच हैं, जबकि 700 सरपंचों में से आज लगातार मतलब 100-150 सरपंच यहाँ पहुँच रहे हैं लगभग, ये भी बड़े दुख का विषय है क्योंकि विभाग के द्वारा हमारे कई सरपंचों को गुमराह किया गया है कि आपको 17 तारीख की बैठक में आना है। तो मैं अपने चारों डीएफओ से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने इससे पहले क्यों सरपंचों की बैठक नहीं रखी, जब हमने जनपद चमोली में जिला अधिकारी का द्वार खटकाया है और यहाँ अपनी गुहार लगाई, तब आपने जो है कि हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए आपने 17 तारीख का यहाँ पे कई सरपंचों का मुझे फोन आया, कई मेरे को फॉरेस्टरों के फोन आए कि रावत जी आपकी बैठक 17 को है, मैंने कहा आपके पास कोई लिखित एजेंडा है हमारे बैठक का, इससे पहले क्यों नहीं रखी आपने, तो ये गुमराह किया जा रहा है। मैं पुनः अपने जनपद चमोली के सरपंचों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है, तो हमें एक साथ आना होगा और एक संघर्ष करना होगा, तभी हम अपनी मांगों को पूरा कर पाएंगे। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, अगर जनपद चमोली के शासन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पूरे प्रदेश भर में हमारे पूरे प्रदेश के सरपंच आने वाले जो बराड़ी शहर में हमारे बैर शहर में जो सत्र चलेगा तो हम उस सत्र का भी गौर विरोध करेंगे और वहाँ अपना मांगों को लेके हम वहाँ मुख्यमंत्री के पास जाने का पूरा निर्णय लेंगे। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
जैसा कि आज सभी सरपंच लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोगों का बेसिकली सभी सरपंचों की एक ही मांग है। देखिए, ये वन विभाग है, जो वन विभाग हमारे सर के ऊपर से बिठा के रखा है गवर्नमेंट ने, ये विभाग जो है कि सारा नष्ट भ्रष्ट विभाग है। ये वन विभाग नहीं, ये भ्रष्ट विभाग है। आज से आप लोग तमाम मेरे से बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी मेरे से उम्र में भी ज़्यादा आप सभी लोग दिख रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए, खुद देखिए, जब आप लोग हमारी उम्र में रहे होंगे, आप युवा अवस्था में रहेंगे, उस समय क्या स्थिति थी हमारी जल जंगल जमीनों की। और आज विभाग के आने से गवर्नमेंट ने इस विभाग को जंगल और जंगलात और सब तमाम इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए रखा है इस विभाग को। परंतु मैं आपको बता दूँ, यही विभाग जो ये हमारी तमाम प्रकार के जल जंगलों में जो भी नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदार ये विभाग है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बोलता हूँ, बताता हूँ आपके लिए, जो हमारे ऊपरी क्षेत्रों में जो सेंचुरियन एरिया है, ट्रेन और संघर्ष से जो इनके अंदर आत्मबल है, मनोबल है, कि निश्चय ही हमें एक मिशन थी, एक इनका जो संघर्ष है एक मील का पत्थर साबित होगा और हम अपने मुकाम तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबसे धन्यवाद धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय से हमारी परसों बात हुई थी और लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय ने जो हमसे कहा था, बहुत अच्छा लगा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि चारों डीएफओ से हमें कहा गया कि चारों डीएफओ की आपसे तत्काल प्रभाव से एक बैठक करा दी जाएगी। महोदय, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, आज हमारा आंदोलन हो रहा है और डीएफओ साहब ने 17 तारीख को वन पंचायत सरपंचों की एक आम बैठक बैठा रखी है, जो कि डीएम साहब ने दूरभाष के माध्यम से चारों वन पदाधिकारी को निर्देश किया था कि आप 14 तारीख को एक बैठक बैठाइए, क्योंकि 15 तारीख को 15 अगस्त है, आप 14 को बैठक बैठाइए। मैंने डीएमओ साहब को बोला, साहब आप 14 तारीख को बैठक बैठाइए, हम अपना आंदोलन स्थगित कर देते हैं, हमको कोई सौजन्य आंदोलन करने की इतनी, क्योंकि पीड़ा थी, हमारी भावनाएं थी, सरपंच कितने सालों से परेशान है, इसलिए अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हमने आंदोलन शुरू किया है। महोदय, चारों डीएफओ ने जिस प्रकार से हमारे तमाम सरपंचों की अवहेलना की है, हम इसकी घोर विरोध करते हैं कि वो लोग इतने ढील बन गए हैं कि आपका अधिकार भी उन पर नहीं बन पा रहा है, जिलाधिकारी की बात भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों को जनपद चमोली में रहने का कोई हक नहीं है, जिन्होंने जिलाधिकारी एडम साहब की बात नहीं मानी है।